Today's lecture, we will discuss the next part of semi-solid dosage form, that is suppositories. Okay, this is the third chapter of semi-solid dosage form. Firstly, we already learned the chapter, that is ointment. After that, paste, jellies. Okay, after that we have to discuss the next chapter, that is semi-solid dosage form, that is suppositories. Okay. सपोजिटरीज क्या होती है? एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है ये. उसके अंदर एक सपोजिटरीज प्रिपेयर किया जाता है. जैसे हमने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऑइंटमेंट स्टडी किए थे, पेस्ट स्टडी किए थे, उसके अंदर क्रीम आता है, जेलीज आता है. उसी तरह से ये जो सपोजिटरीज होते हैं, ये भी एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है. ओके, सो कम टू द डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरीज. सपोजिटरीज आर सॉलिड डोसेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर insertion into body cavities or orifices such as rectum, vagina, urethra, where they melt or dissolved and exerts localized or systematic effect. तो suppositories एक solid क्या बोलेंगे, एक semi solid dosage form में होती है. वो एक उसका preparation हमने एक जैसा base होता है, उसी तरह से एक base होता है. उसके अंदर जैसे हम ointment prepare करते हैं, ointment के बाद ointment कैसा होता है, एक सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जो प्रिपरेशन होते हैं सब ऐड करके बेस के अंदर मेल्ट करके हमने उसको एक ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सपोजिटरी जो होते हैं एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से ही उसको प्रिपेयर किया जाता है. लेकिन जब वो तैयार होती है तो एक सॉलिड डोसेज फॉर्म में एक तैयार होती है. मतलब जैसे टैबलेट प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से इसको भी एक सिंगल सिंगल टाइप में एक सॉलिड डोसेज फॉर्म में तैयार होती है. सो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि एक सॉलिड डोसेज फॉर्म भी कहा जाता है. लेकिन ये एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है. लेकिन जब जैसे हम ऑइंटमेंट में प्रिपेयर करते थे, बेस लेते थे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करते थे और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑइंटमेंट, क्रीम, जेलीज, पेस्ट प्रिपेयर करते थे, उसी तरह से हमने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के जो बेसिस होते हैं, सपोजिटरीज के जो बेसिस होते हैं, सच एज वैक्सेस है, डिफरेंट वैक्सेस या वाटर मिसिबल और वाटर सोलेबल जो और इमल्शन बेसिस जो होते हैं, इस तरह के से बेस हमने आगे स्टडी करेंगे. कौन से बेस हमने सपोजिटरी को यूज़ करना होता है, उससे पहले हम जो बेस होते हैं सपोजिटरीज के उसको लेना पड़ता है. लेकर हम उसको मेल्ट कर क्या करेंगे, एक प्रिपरेशन बनाएंगे. सेमी सॉलिड ही प्रिपरेशन होता है, लिक्विड जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसको मिक्सअप करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे. मेल्ट करने के बाद जैसे हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में प्रैक्टिकल में जैसे ये बनाए थे, देखो लिपस्टिक जैसे बनाए थे. लिपस्टिक क्या होता है, पहले जब प्रिपेयर करते हैं तो एक सेमी सॉलिड होता है, एक लिक्विड टाइप में होता है लिक्विड. जब उसको हम प्रिपेयर करेंगे और उसको फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कि एक सॉलिड डोसेज फॉर्म में जैसा तैयार होगा, उसी तरह से ये भी होता है. तो सपोजिटरीज क्या है, सपोजिटरी इसलिए डेफिनेशन में बताया गया है, सपोजिटरीज आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज और ओरिफाइसेस सच एज रेक्टम, वर्जाइना एंड यूरिथ्रा, वेयर दे मेल्ट और डिजॉल्व्ड एंड एक्सर्ट लोकलाइज्ड और सिस्टेमेटिक इफेक्ट. तो सपोजिटरी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जब उसको प्रिपेयर करते हैं तब लिक्विड होता है, लेकिन हम जब उसको फ्रीज करेंगे, फ्रीजर में उसको रखेंगे, मोल्ड जो एक मोल्ड होता है, मोल्ड के अंदर जैसे हम लिपस्टिक का जो मैटर होता है वो अंदर डालकर हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, उसी तरह से लिक्विड जो लिक्विड एक सेमी सॉलिड जो एक मैटर होता है सपोजिटरी का, उसको हम सपोजिटरी के जो मोल्ड होते हैं जो कि एक शेप में बनाने होते हैं, तो उसके अंदर हम उसको डालेंगे और उसको फ्रीज करेंगे. देन उसके बाद हमारी सपोजिटरीज तैयार होती है. तो उसी तरह से एक सॉलिड डोसेज फॉर्म बताया गया है इसलिए यहाँ पर. और इसका यूज़ किया जाता है इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज, जो हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज़ होते हैं वहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है, और ओरिफाइसेस जो होते हैं वहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है, सच एज रेक्टम, वजाइना एंड यूरिथ्रा, वेयर वहाँ पर क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं और डिजॉल्व होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर से वहाँ पर क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं और डिजॉल्व होते हैं. एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शन है हमारे वजाइना में, रेक्टम में, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई डिजीज है, या कोई डिफिकल्टीज है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसको कम करने के लिए हम सपोजिटरीज वजाइना रेक्टम में इंसर्ट करते हैं. वहाँ पर हमको लोकलाइज्ड इफेक्ट मिलता है और सिस्टमेटिक इफेक्ट वहाँ पर हमको फाइंड आउट होता है. तो ये थी सपोजिटरी की डेफिनेशन. तो आगे देखते हैं हम उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. इट अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट. मतलब क्या, फर्स्ट
इट अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट. फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है कि जब हम टैबलेट या कोई कैप्सूल लेते हैं तो क्या होता है उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन, एंड उसके बाद होता क्या होता है डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन होता है. एब्सॉर्प्शन होने के बाद जो हम हमने जो इफेक्ट लेना होता है वो क्या होता है कि जो लीवर होता है लीवर के अंदर से वो पास होती है. पास होने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन होता है तो वो क्या हो जाएगा कि तो यहाँ पर क्या गया बताया गया इस एडवांटेज में हम देखेंगे आगे कि इट अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट. अब फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है कि जो हम ड्रग लेते हैं ओके जो ड्रग लेते हैं हम वो क्या किया जाता है पोर्टल वेन के द्वारा हमारा जो लीवर होता है. फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो ड्रग लेते हैं और जो ड्रग हम लेते हैं ओरली समझे या हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पोर्टल वेन जो होती है हमारे लीवर के अंदर उस वेन के द्वारा जो पोर्टल वेन के द्वारा लीवर के अंदर क्या किया जाता है कि उसका बिफोर रीचेस टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पहले लीवर के अंदर क्या होता है कि मेटाबोलाइज किया जाता है ड्रग को. देन उसके बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दिखाई देता है हमारा ड्रग का. तो यहाँ पर एक फर्स्ट पास इफेक्ट की कुछ ज़रूरत नहीं है हमारा. डायरेक्टली हम इसको इंसर्ट करेंगे बॉडी कैविटीज़ के अंदर सच एज रेक्टल वजाना यूरेथ्रा ओके फॉर एंड दैट वी हैव टू गिव एक लोकल इफेक्ट वहाँ पर हमको मिल जाएगा और एक सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है जो सिस्टमिक इफेक्ट होता है मतलब जो ब्लड के अंदर जो हमारा ड्रग सर्कुलेट करना होता है जो एब्सॉर्ब करना होता है वो हमको डायरेक्ट एक सिस्टमिक और क्या बोला जाएगा एक ब्लड सर्कुलेशन हमको और लोकल इफेक्ट हमको हम एट द साइट ऑफ एक्शन हमको मिल जाएगा ओके. फर्स्ट पास इफेक्ट पता चल गया आपको क्या होता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब जो ऑल ड्रग्स हम लेते हैं थ्रू अदर वे इन द बॉडी तो क्या होता है कि वो लीवर के अंदर क्या किया जाता है उसको मेटाबोलाइज किया जाता है ड्रग को. तो वहाँ पर क्या होता है कि बिफोर रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाने से पहले लीवर के अंदर उसका मेटाबोलाइज किया जाता है और उसके बाद फिर हमको सिस्टमिक सर्कुलेशन मिलता है. तो ये इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट पास इफेक्ट. तो यहाँ पर फर्स्ट पास इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली हम इसको इंसर्ट करेंगे थ्रू बॉडी कैविटीज़ एंड वी हैव टू गेट द सिस्टमिक एंड लोकलाइज एक्शन ऑन द साइट ऑफ एक्शन ओके. तो ये एक उसका एडवांटेज है सपोजिटरी का. देन उसके बाद आगे चलते हैं हम मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर. हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वहाँ पर ये देन उसके बाद इट गिव्स बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएंगे सपोजिटरी जैसा भी हम उसको इंसर्ट करेंगे बॉडी कैविटीज़ में वहाँ पर वो मेल्ट हो जाएंगे एंड इट गिव्स लोकलाइज एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट. आफ्टर दैट इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स ओके. अनकॉन्शियस पेशंट मतलब जे पेशंट शुद्धीवर नसतात म्हणजे ज्यांना सेन्स नसतं किंवा जे बेशुद्ध असतात अशा पेशंट्सला आपण हे देऊ शकतो. इट इज इजी टू यूज फॉर पेडियाट्रिक अँड जेरियाट्रिक पेशंट्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं पेडियाट्रिक अँड जेरियाट्रिक पेशंट्स जो होते हैं छोटे बच्चे उनके लिए ये इजी है मतलब जिसको समझ नहीं होती इनके लिए वहाँ पर इजी होता है इंसर्ट करना बॉडी कैविटीज़ के अंदर. यूजफुल टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट ओके. लोकल इफेक्ट मिलता है हमको एट द साइट ऑफ एक्शन. यूजफुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम जो रेक्टम होता है वहाँ पर हमको डायरेक्ट इफेक्ट मिलता है. देन उसके बाद यूजफुल टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल. जो इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल मतलब क्या है जो तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल मतलब जो आतड़ी आती स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो जो इंटेस्टाइन होती है हमारे स्मॉल एंड लार्ज तो वहाँ पर जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा क्या बोलेंगे स्टूल या जो अनवांटेड जो मटेरियल होता है वो रेगुलरली हम अगर रेगुलरली वो एम्प्टी नहीं होता हमारा जो स्टूल होता है बॉवेल के अंदर से जे आतड़ी असती आपली तर त्यासाठी अशा पेशंटला आपण काय करायचं आहे की ते इवॅक्युएशन किंवा ते बाहेर काढण्यासाठी पण यूज केलं जातं सपोजिटरी का. देन कन्विनियंट फॉर दोज ड्रग कॉजेस GIT इरिटेशन वॉमिटिंग जो
जो पेशेंट होते हैं जिनके लिए GIT या कुछ मतलब जो हम ड्रग लेते हैं, ड्रग तो ऑब्वियसली GIT से ये लीवर के अंदर उसको पास किया जाता है, उसको फर्स्ट पास इफेक्ट बोलेंगे, देन उसके बाद लीवर में जाता है, देन उसका मेटाबलाइज होता है और सिस्टमेटिक इफेक्ट मिलता है हमको मेटाबलाइज होने के बाद ड्रग का। तो ये सारी प्रोसेस है। कुछ ड्रग GIT के अंदर इरिटेशन कॉज करते हैं, वोमिटिंग होती है कुछ ड्रग्स से। तो इस कंडीशन में हम थ्रू सपोजिटरीज वी हैव टू यूज पेशेंट्स टू अवॉइड इरिटेशन, टू अवॉइड वोमिटिंग। ओके, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू ऑल्सो यूज सपोजिटरीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट ये थे कुछ एडवांटेजेस। देन आगे चलते हैं हम उसके कुछ डिसएडवांटेजेस स्टडी कर लेते हैं। इरिटेड ड्रग्स कैन एडमिनिस्टर्ड, कुछ इरिटेंट ड्रग्स हम इसके अंदर एडमिनिस्टर नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, देन मतलब जो इरिटेट करेंगे ड्रग, मतलब जैसे भी हम इंसर्ट करेंगे, बॉडी कैविटीज बहुत नाजुक जगह होती है, मतलब खूब सेंसिटिव असते ती जागा बॉडी कैविटीज आपले, तर त्याच्यामध्ये आपण ते इरिटेंट ड्रग्स वगैरे टाकू शकत नाही आहेत। त्यानंतर इम्बॅरेसमेंट टू पेशंट्स, म्हणजे खूप इम्बॅरेसमेंट फील होतं पेशंट्सला जेव्हा ते इन्सर्ट केले जाते सपोजिटरीज बॉडी कॅव्हिटीजमध्ये। ओके, नीड टू स्टोर ॲट लो टेम्परेचर, त्याला लो टेम्परेचरमध्ये ठेवण्याची गरज असते। जसं आपण त्याला तयार करण्यासाठी एका मोल्डमध्ये जे प्रिपरेशन असतं ते मोल्डमध्ये टाकतो, त्यानंतर त्याला फ्रीज करून काढलं जातं, तर त्यासाठी त्याला लो टेम्परेचरवर ठेवावं लागतं फ्रीजमध्ये वगैरे। जसं आपण लिपस्टिक तयार करताना केलं होतं, जे मोल्ड था, जो मोल्ड के अंदर हम हमारा मॅटर जो था जो हमने लिक्विड में प्रिपेयर किए थे उसके अंदर डाले थे, देन उसके बाद मोल्ड में से लिपस्टिक निकाले थे, उसी तरह से हमने सपोजिटरीज को भी प्रिपेयर करना है, मोल्ड के अंदर डालकर फ्रिज में उसको रखकर उसको प्रिपेयर करना है। ओके, कांट इजीली प्रिपेयर्ड किया नहीं जाता उसको, थोड़ा सा प्रिपेयर करते टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा भी लेंदी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, कॉस्ट एक्सपेंसिव है। जो सपोजिटरीज जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होती है ये। फ्लूइड कंटेंट ऑफ रेक्टम, और एक बता दूं मैं, जो सपोजिटरीज जो होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए एक क्या बोलेंगे उसको, एक फार्म, एक या किसी डॉक्टर की या नर्स की या हायर एजुकेशन पर्सन की वहाँ पर ज़रूरत लगती है। हम खुद से नहीं कर सकते, इसलिए खुद से करेंगे तो बहुत एम्बैरेसमेंट फील होगा, और डॉक्टर करेंगे तो भी होगा, लेकिन हम खुद से उसको नहीं कर सकते। एक एजुकेटेड पर्सन मीन्स नर्स या डॉक्टर्स की हमको ज़रूरत होती है इंसर्ट करने के लिए सपोजिटरीज हमारे बॉडी कैविटीज़ के अंदर। तो एक उसका डिसएडवांटेज बताया जा सकता है। फ्लूइड कंटेंट ऑफ द रेक्टम इज मच लेस दैन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस में अफेक्ट डिजोल्यूशन रेट। तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्लूइड कंटेंट ऑफ रेक्टम इज मच लेस, मतलब जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है रेक्टम के अंदर वो अगर कम है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो रेक्टम के अंदर जो अंदर वाले साइड के अंदर अगर फ्लूइड कम है तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसर्ट करने के बाद जो हमारी सपोजिटरीज है पूरी डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब वहाँ पर पूरा वो ये हो जाएगी डिजॉल्व, और पूरा एक लेस अमाउंट में वहाँ पर अगर फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो वो पूरा क्या हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी जो हमारे सपोजिटरीज है। तो एक उसका डिसएडवांटेज है। सम ड्रग्स में बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम, कुछ ड्रग क्या होता है डिग्रेड मतलब ख़राब हो जाएंगे बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम। अगर कोई ड्रग या अगर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे रेक्टम के अंदर है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कुछ ड्रग जो है वो डिग्रेड मतलब ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो उसके लिए हमने पेशेंट को क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कुछ डिसएडवांटेज बताए गए हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पेशेंट को क्या तकलीफ है उसको देखते हुए हमने उस टाइप की अलग अलग टाइप की सपोजिटरीज हमको प्रिपेयर करनी है। अगर कोई किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल के जो ड्रग्स होते हैं वो हमने सपोजिटरीज में ऐड करने, देन उसके बाद वो पेशेंट को इंसर्ट करने पड़ेंगे। इस तरह से हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ये थे कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज। उसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज के अलग अलग टाइप है, जैसे कि रेक्टल सपोजिटरीज, वजाइनल सपोजिटरीज, उसके बाद यूरिथ्रल सपोजिटरीज, देन उसके बाद नेसल सपोजिटरीज, देन उसके बाद
ईयर कॉन्स, ये कुछ पांच टाइप थे सपोजिटरीज के जो कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल के अंदर। देन उसके बाद न्यूअर कंसेप्ट ऑफ सपोजिटरीज, मतलब कुछ मार्केटेड में न्यूली फॉर्मुलेटेड किए गए, कुछ न्यूली कंसेप्ट वाइज प्रिपरेशन किया गया वाला सपोजिटरीज का, सपोजिटरीज कुछ फाइंड आउट किए गए हैं यहाँ पर, न्यू रिसर्च फाइंड आउट करके कुछ नए तरीके से बनाए गए हैं सपोजिटरीज को, इनोवेशन किया गया है इनका। टैबलेट सपोजिटरीज हैं, लेयर्ड सपोजिटरीज हैं, कोटेड सपोजिटरीज हैं, देन उसके बाद कैप्सूल सपोजिटरीज हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टाइप्स है इसके, टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज जो है एंड न्यूअर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सपोजिटरीज जो है, हम वो अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ओके, आपने वन बाय वन नोट्स निकालने हैं, हमने यहाँ पर मोस्टली वी हैव टू कवर आवर सिलेबस। ओके, जब आएंगे तो आपके पास नोटबुक में आपके नोट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, देन आई हैव टू अलाउ दैट स्टूडेंट्स ओके इन माई क्लास। Thank you.